Luigi, the gang of Gossip Girl. Yes. I've sent you the details and you'll get the file as soon as possible. Thank you, sir. मैडम आपको बॉस बुला रहे हैं। तुम्हें क्यों भेजा? इंटरकॉम क्यों नहीं किया उन्होंने मुझे? मैं तो पानी देने गया था, वो तो आपको याद कर रहा। ठीक है जाओ तुम, देखती हूँ मैं। आ जाइएगा। जाओ। Excuse me sir. Miss US, I mean Miss Maya, आपका भाई? अभी आई हूँ सर। जी बोलिए। आपने बुलाया है ना? अरे पता नहीं मेरा दिमाग ही किन कामों में लग जाता है। मैंने इसलिए बुलाया था कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ऑफिस में? ऑफिस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो खुद है। कैसी प्रॉब्लम? आई मीन के आपके साथ स्टाफ जो है वो कॉपरेट कर रहे हैं। बड़ा अमिताभ बना फिरता है, एक्शन हीरो साला। नहीं यहाँ पे तो सब सही है सर। ऑब्वियसली जब बॉस अच्छा होगा तो स्टाफ तो अच्छा होना है। वैसे मैं सोच रहा था कि आज रात आपको एक वेलकम डिनर पे लेके जाया जाए। स्कीमा वर्ल्ड कप जीत कर आई है ना, जो डिनर देगा। नहीं सर मैं आज बिजी हूँ और वैसे भी इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे आप नाराज हो गए, आप बुरा मान के चले, फिर कभी सही। देखना यार प्लीज। बस कर दे तू, बस कर दे। यार इस कमीने ने फिर मुझे मैसेज कर दिया। क्या मैसेज किया कमीने ने? आई एम सीरियस यार। और तुम भी कुछ बोलोगी या चुप ही रहोगी? मैं क्या बोलूं, कुछ बताओ तो सही। पहले बात ये है कि जब से मैंने ऑफिस ज्वाइन किया है मुझे मैसेज करे ही जा रहा है, करे जा रहा है। दिस इज लाइक द 12th मैसेज। फिर तुमने क्या जवाब दिया? इसी बात का तो गुस्सा है, मैं जवाब ना भी दूं वो फिर भी मुझे मैसेज करे जा रहा है। अरे वाह, बंदा 12 दिन से मैसेज कर रहा है और यहाँ देख मैं 12 लोगों को मैसेज कर सकती हूँ लेकिन कोई भी नहीं पूछता सारा डिनर के लिए। छोड़ो यार ये तो कुछ भी बोलती रहती है ना, मतलब कुछ भी। तुम बताओ अब तुम क्या करोगी? अब उसको मैसेज करने दो, फिर बताऊंगी माया क्या चीज़ है। उसका ऑफिस में बिहेवियर कैसा है? ऑफिस में तो ऐसे जैसे जेंटलमैन, और इधर देखो। तो फिर हो सकता है ना कि तुम ओवरथिंक कर रही हो या यू नो? नहीं मुझे पता है ना, छोड़ दो। वैसे भी तुम हर बात पर पॉजिटिव एंगल ले आती हो, इट्स यूज़लेस। शांति, अकेले? मैं कितनी बार बोला है कि तुम टेबल पे खा लिया करो। नहीं इसको तो लाउंज ही गंदा करना है। अबे ओ हिटलर, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ज्यादा बोलो ना तो मैं यहाँ से भी चली जाऊंगी, जब देखो बोलती रहती। छोड़ो ना, तुम खाओ तो मैं जा भी खाना है, और तुम मेरी बात सुनो ना। बोलो। अब उसका मुझे वापस से मैसेज आया है, बोल रहा है कि वो मुझे वेलकम डिनर कराना चाहता है। कैन यू इमेजिन? इसमें कौन सी बुरी बात है, चली जाओ ना। क्या मतलब है, जब मेरा कंसेंट ही नहीं है तो जाने का क्या फायदा है यार? इनकी एज क्या होगी वैसे? यही अराउंड 40s। तो फिर तो सही है ना। क्या मतलब है इस बात का? आई मीन यार इस एज के लोग बहुत मासूम होते हैं। रिमेम्बर वो जो मेरे बॉस थे जफर अंकल, ही यूज्ड टू ट्रीट मी लाइक हिज ओन डॉटर। यार वो तो मेरे डॉटर की तरह ट्रीट करता था ना, ये नहीं करता। किस भेज रहा होता है यार? एक काम करो उसे मेरा नंबर दो, ऐसा डिनर कराऊंगी कि जिंदगी भर बिल पे करता रहेगा। वो ही मिला है ना वैसे तो। चलो चलो मुझे बहुत भूख लगी, चलो खाना। यहाँ नहीं, टेबल पे। क्यों यार? टेबल पे चलो चलो। जी माया, मैं ये कह रहा था कि जो हमने बिल डिस्कस किए थे जरा वो लेके मेरे रूम में तो आए। जी आइए आइए, यहीं आ जाइए। सर ये वो फाइल्स हैं जो क्लियर हो गई हैं।
एंड दीज आर द बिल्स जो क्लियर अभी हो रहे हैं। अच्छा ये बिल दिल आई मीन के बिल की बातें तो हम बाद में भी डिस्कस कर लेंगे, ऐसा क्या है उसमें कोई ऐसी बड़ा इशू नहीं है। ओके सर, देन आई विल टेक अ लीव, मेरी वैसे भी ऑफ हो गई है। तो कैसे जाओगी? मैं ड्रॉप कर देता हूँ, रास्ते में कुछ खा भी लेंगे। जरूरत नहीं है सर, वैसे भी मेरी और कमिटमेंट्स हैं। ये क्या बदतमीजी है? सही कहा था मेरे बाप ने कि मत जाओ पाकिस्तान, क्योंकि तुम जैसे दरिंदे थरकी बुड्ढे तो यहाँ पे किसी को हम जैसे लड़कियों को नौकरी नहीं दे सकते ना। आहिस्ता बात करो, फूलों में क्या मसला है? आहिस्ता बात करूँ ताकि ऑफिस वालों को पता ना चले कि तुम कितने बड़े ठरकी इंसान हो। नो थैंक यू माया, माइंड योर लैंग्वेज। बस बस इतनी शरीफ बनने की कोशिश ना करो, तुम्हें क्या लगा मैं सीधी सादी सी लड़की हूँ जो ये 7 से 50 हज़ार की नौकरी में तुम्हारी ठरक बर्दाश्त करूंगी। मैं माया हूँ माया, लानत भेजती हूँ तुम्हारी नौकरी पे, तुम्हारी शक्ल पे और तुम्हारी सोच पे। तुम जैसे ठरकी चू की वजह से ना यहाँ पे लड़कियाँ जॉब करने से डरती हैं। तुम्हारी सोच अंडरवे से बाहर नहीं निकलती है। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है, और क्यों ना सुने सब लोग। एवरीवन शुड गेट टू नो व्हाट काइंड ऑफ एन एनिमल यू आर।